हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं समी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप देखेंगे आज मेरे पास एक ऑर्डर आया है भाई से, पटना से ये आया है और ये नीतीश कुमार भाई का है। ये पटना से हमारे पास ये ऑर्डर आया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि Z2 में इनका एक कान जो है वो एक स्पीकर काम नहीं कर रहा, और दूसरा ये है कि उसकी बैटरी इशू ही बता रहे हैं। इसकी बैटरी कम चलती है और इसकी जो है ही नहीं। तो दोनों ही में ही हमारे को इसमें बैटरी बदलनी है। अगर आप बैटरी बदलने वाले रिपेयरिंग वाला चैनल देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस वाले चैनल पे हम रिपेयरिंग का हम काम नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए और उसके बारे में ही बताने के लिए है। तो अगर आप देखिए, ये ओरिजिनल बड्स Z2 है। अब इसे हम रिपेयर करके मेरे भाई को दोबारा भेजेंगे, और इसमें हम शुरू में कोई एडवांस, कोई 1 रुपये चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। बस हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, सीधा हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात ये और बता दूँ Z2 के बारे में। देखिए, अगर आपका ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये पेने साफ़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे पीने में डस्ट होता है तो डस्ट की वजह से ये ऑन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से आप ये देख लीजिए आपकी हरी लाइट जलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद आप इसे प्रेस करेंगे तो ये वाइट लाइट जलेगी यहाँ पे। अगर ये वाइट नहीं जल रही, रेड जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड की बैटरी ऑन नहीं है, रेडी नहीं है, बैटरी ख़राब है। अब अगर हम इस साइड का हटा के इसको करते हैं तो ये ऑन हो गया। तो अब ये इस साइड का हटा देते हैं हम, और ये वाली जो लेफ़्ट साइड है अब इसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इशू जो है वो इस वाली लेफ़्ट साइड में है। राइट साइड ओके है, बिल्कुल राइट साइड चल भी रहा है, मोबाइल में चेक भी किया है, तो राइट साइड इस तरीके से ऑन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। अब इसको हम रिपेयर करके दोबारा उन भाई के कस्टमर के पास भेजेंगे। तो अगर आपको किसी तरीके की कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर छोटी मोटी होगी तो हम फ़ोन पे ही आपको बता देंगे, और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको रिपेयर करने के लिए भेजना पड़ेगा, या अगर आपको पार्ट्स वगैरह चाहिए तो पार्ट्स वगैरह भी हमसे खरीद सकते हैं।